रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का काम हमेशा ही चलता है। कॉन्टैक्ट पे नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज, क्योंकि उनको परमानेंट काम है, परमानेंट ही चलना है, तो उनको परमानेंट ही रखना। क्या मैडम आपको नहीं लगता कि जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए परमानेंट मिलना चाहिए? और जो एम्प्लॉयड हैं, जो जिनको सारी जिंदगी में एक भी प्रमोशन नहीं मिलता, ये गलत बात है। प्रमोशन होना चाहिए लाइफ में, 35 साल 40 साल नौकरी करके जाता है, उसको प्रमोशन नहीं है तो ये गलत है। हमारे कुछ साथी पंजाब से भी हैं और पंजाब लुधियाना से CCTU के बैनर तले ये भी अपनी कुछ मांगों को लेकर आए, हम इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं, लुधियाना जिला, पिंड पबियां। आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेके आए हैं आप? हम नरेगा के काम करते हैं। नरेगा में जो मेहनत है, सानू पूरा मुआवजा नहीं मिलता। दिहाड़ी साड़ी कहते बधावे, कोई नहीं बधाई। गैस सिलेंडर कितना बढ़ गया, गरीब बंदा किया करे? कुछ को काम करते हैं, जब सानू पैसा, पूरा पैसा मिलना चाहिए, साड़ी जल्दी तो जल्दी पेमेंट पवाई जाए, साड़ी हाथ बन के बेनती है। यही गरीब की अरदास है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारतवर्ष से यहाँ आए हुए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 3 दिन का धरना प्रदर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे किए थे, वो अपने वादों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। इन सब को लेकर ये कम्युनिस्ट पार्टी और ये CCIU जो एक CTU वो एक पार्टी है, उस सभी संगठनों के माध्यम से यहाँ संसद मार्ग पर एक बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इन सब चीज़ों को लेके, कि जो वायदे किए थे कम से कम उनको पूरा किया जाए। और कहा था सबको रोजगार देंगे, सबको विकास करेंगे, लेकिन विकास की बात को लेकर अभी मन से सभी लोग बोल रहे थे कि इनका विकास मात्र कुछ ही लोगों का विकास हुआ है, जो ये पूंजीपति लोग हैं जिनमें अभी नाम गिनाए थे, मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, अड़ानी का, इस तरीके के लोगों का विकास हुआ है, जो गरीब लोग हैं उनका विकास नहीं हुआ है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, संसद मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, दिल्ली।